हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके पहले की वीडियो में हमने इसका एक मेथड कवर किया था जो कि था आयोनाइजेशन चैम्बर। इसके पहले हमने जो कवर किया था पहला मेथड वो था आयोनाइजेशन चैम्बर। आज हम दो अलग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर और ऑटो रेडियोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, और इसमें हमारा दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनल काउंटर। तो ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर होता है ये मॉडिफाई वर्जन होता है आयोनाइजेशन चैम्बर का। इसके पहले हमने जो वीडियो में कवर किया था आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसमें हमने एक मेटालिक चैम्बर लिया था और उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट थे जो कि आयोनाइज हो रहे थे, ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है और ये उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। नेक्स्ट है ऑपरेट एट हाई वोल्टेज 1000 से 2000 वोल्ट। इसका जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं इसमें जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो काफ़ी हाई होता है। इसमें हम 1000 से 2000 तक का वोल्टेज अप्लाई करते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर में हम 50 से 100 तक का वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, लेकिन जो प्रोपोर्शनल काउंटर होता है इसमें हम 1000 से 2000 तक का वोल्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। अब ये क्या है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल हैविंग लो आयोनाइजेशन पावर। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि क्या मेजर करता है, लो आयोनाइजेशन पावर के जो भी पार्टिकल होते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है। जो आयोनाइजेशन चैम्बर था आपका वो हाई आयोनाइजिंग पावर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता था। मेनली उसमें अल्फा रेस इन्वॉल्व होते थे जो कि काफ़ी हाई आयोनाइजेशन पावर रखते थे, लेकिन आपका ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर है ये लो आयोनाइजिंग पावर के वेव्स को आइडेंटिफाई करता है या डिटेक्ट करता है। इसमें आपका जो लो आयोनाइजिंग पावर है उसका एग्जाम्पल होता है आपका बीटा रेस और गामा रेस। बीटा रेस का थोड़ा सा ज्यादा होता है और गामा रेस का सबसे पुअर आयोनाइजिंग पावर होता है। तो ये जो डिवाइस है प्रोपोर्शनल काउंटर ये लो आयोनाइजिंग पावर के पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसमें हम जो गैस यूज करते हैं यानी कि जो हमने मेटालिक चैम्बर बनाया है उसमें हम जो गैस यूज करेंगे वो रहेगा आपका 90% ऑर्गन एंड 10% मीथेन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें 90% ऑर्गन रहता है और 10% मीथेन इसमें प्रेजेंट होता है फिलिंग गैस में। अभी मैं बताऊंगी आपको इसके आगे कि फिलिंग गैस कहाँ डालते हैं और कैसे प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें, व्हेन वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज सफिशिएंटली इंक्रीजेस प्राइमरी आयन विल प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स। इसमें आपका दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, कैथोड रहेगा और एनोड रहेगा। उन दोनों के बीच में जब करंट पास कराया जाएगा वोल्टेज वहां पर आएगा। मेनली वोल्टेज भी कितना आना चाहिए, यहाँ पर 1000 से 2000 के बीच का वोल्टेज आना चाहिए। तो जब ये वोल्टेज आएगा उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो उनके बीच में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो आयोनाइज होना चालू हो जाते हैं, यानी कि वो अपने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, मेनली पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। अब इसमें क्या होता है, फिर दे गेन सफिशियंट एनर्जी टू फर्दर कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस सेकेंडरी आयंस। इसमें क्या होता है आपका, पहले तो क्या हुआ, जो भी गैस के मॉलिक्यूल थे जब उनमें रेज पास हुई और उसमें जब हमने करंट जनरेट किया तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आयन्स में डिसोसिएट हो गए। अब जो डिसोसिएटेड आयन है वो फिर से गैस के साथ इंटरेक्ट करके सेकेंडरी आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर होता है इसमें दो बार आयोनाइजेशन होता है। जब पहला आयोनाइजेशन होगा तो इसमें प्राइमरी आयन्स बनेंगे और जब दूसरा आयोनाइजेशन होगा तो इसमें सेकेंडरी आयन्स का फॉर्मेशन होगा। इसके पहले हमने जो आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ा था उसमें एक ही बार आयोनाइजेशन हो रहा था, लेकिन ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है इसीलिए इसमें दो बार आयोनाइजेशन होता है, जिसमें हमारा प्राइमरी आयन और सेकेंडरी आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो हमारे आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी आयंस, वही पल्स जनरेट करते हैं और उसी पल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं काउंटर नाम की मशीन से। तो ये है इसके बेसिक प्रिंसिपल। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या वर्किंग होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें आपका सबसे पहले एक मेटालिक चैम्बर होता है, ये आप जो देख रहे होंगे ये जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है ये मेटालिक चैम्बर होता है। ठीक है, इसी चैम्बर के अंदर में हम गैस फिल करते हैं, फिलिंग गैस हम यहाँ पर रखेंगे। फिलिंग गैस में हम क्या लिए हैं, यहाँ पर 90% ऑर्गन और 10% मीथेन। तो ये चैम्बर हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमने गैस रखा हुआ है, फिलिंग गैस 90% ऑर्गन और 10% मीथेन। ये जो चैम्बर है इसके दोनों साइड में इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगे होते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें
एनोड और कैथोड के लिए यहाँ पर एक गेटवे रहता है जिससे हम करंट जनरेट करते हैं इस मेटेलिक चैम्बर के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पर एक एम्पलीफायर रहता है जो कि जो भी पल्स जनरेट हुआ है उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसको बढ़ा देगा। जो एम्पलीफाइड आपका जो पल्स होगा वो उसके बाद जाता है काउंटर में और काउंटर इसको डिटेक्ट कर देता है और हमें एक रीडिंग मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोपोर्शनल काउंटर का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी रेडिएशन पास कराते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने रेडिएशन पास कराया, हमने यहाँ पर से रेडिएशन इसमें पास कराया, तो अब इसके अंदर क्या था, गैसेस फिल थी। कौन सी गैस थी, आर्गन और मीथेन। तो ये दोनों गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट थी। जब हमने गैस पास कराया और करंट यहाँ पर से जनरेट किया हमने, ठीक है, यहाँ से करंट जनरेट होगा तो अंदर में करंट है और गैस है, इसके अलावा रेडिएशन है। तो जब रेडिएशन इसमें पास होगा तो करंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट होकर ये क्या बनाएंगे, आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये मान लीजिए गैस का कोई मॉलिक्यूल है, तो जब इसको करंट मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन बनाया और निगेटिव आयन बनाया, ठीक है। अब इसमें दोबारा से क्या होता है, इसमें हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया है तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो आयंस होते हैं वो फिर से जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के उसके साथ ये कोलाइड कर लेते हैं और क्या करते हैं, सेकेंडरी आयंस का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी आयन यहाँ पर बनेगा, ये जो सेकेंडरी आयन है वही क्या करता है, यहाँ पर पल्स जनरेट करता है। अब ये आयंस में डिसोसिएट होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो माइनस पार्टिकल रहेंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे यानी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन होगा और पार्टिकल्स अपने आयंस में टूट जाएंगे और क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाला एनोड में जाएगा, पॉजिटिव वाला कैथोड में जाएगा। तो ये सारे जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, एक पल्स का जनरेशन होगा। यहाँ से ये जाता है एम्पलीफायर में और उसके बाद ये यहाँ से एम्पलीफाई हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। उसके बाद काउंटर जो हमारे पास रहता है, मशीन जो रहता है मीटर, वो यहाँ पर हमें एक रीडिंग दे देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितना गैस का मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो मशीन है आपका प्रोपोर्शनल काउंटर वो यहाँ पर काम करता है। आप ध्यान रखेंगे सेम है ये पूरे आयोनाइजेशन चैम्बर के जैसा ही है, बस यहाँ पर दो बार आयोनाइजेशन हुआ है। एक बार आयोनाइजेशन हुआ तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, उसके बाद ये जो डिसोसिएटेड आयंस है ये फिर से दूसरे जो गैस के पार्टिकल है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और फिर से ये यहाँ पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपका सेकेंडरी बना है और यहाँ पर ये जो बन रहा है ये आपका प्राइमरी आयंस है। तो इस तरीके से ये आपका प्रिंसिपल इसका काम करता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपका ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर है ये लो एनर्जी के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, बीटा रेस और गामा रेस, ये जो दोनों ही रेज हैं ये लो आयोनाइजिंग पावर रखते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो ये जो है आपका प्रोपोर्शनल काउंटर ये लो एनर्जी पार्टिकल को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और इसका जो आयोनाइजिंग पावर होता है वो काफ़ी हाई होता है। दो एडवांटेजेस है इसके, एक तो ये लो एनर्जी पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा, दूसरा इसका जो आयोनाइजिंग पावर रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा क्योंकि हमने इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया है 1000 से लेके 2000 वोल्ट का। हाई आयोनाइजिंग पावर होने की वजह से ही क्या होता है, सेकेंडरी आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं। इसका अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्टेबल वोल्टेज बिकॉज स्लाइट चेंज इन द वोल्टेज चेंज द गैस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर करंट जो अप्लाई कर रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, वो करंट स्टेबल होना चाहिए, वो जो वोल्टेज है वो स्टेबल होना चाहिए, 1000 से 2000 के बीच का ही होना चाहिए। वोल्टेज क्या है, स्टेबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी रीडिंग मिलेगा वो कॉन्स्टेंट रीडिंग मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर वोल्टेज पर नीचे हो गया, थोड़ा सा भी उसमें चेंजेस आ गए, मान लीजिए कम वोल्टेज अप्लाई हुआ या फिर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, गैस का मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर जो भी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेबल रहना चाहिए और हाई डिग्री का रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए, कंटिन्यू हमें सेम वोल्टेज अप्लाई करना है, अदरवाइज जो गैस का मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर बदल जाता है। तो ये हमारे प्रोपोर्शनल काउंटर के डिटेल्स। इसमें हम अपना तीसरा मेथड पढ़ेंगे या तीसरा हमारा टेक्निक होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी आपका क्या होता है, इट इज़ अ बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेज बाई यूजिंग सुटेबल रेडियो आइसोटोप्स।
ये क्या होता है, आपका बायो एनालिटिकल टेक्निक होता है, ध्यान रखेंगे बायो एनालिटिकल टेक्निक है ये, ठीक है। और इसका यूज क्यों किया जा रहा है, जो भी रेडियो लेबल सब्सटेंस होते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें हम किसका यूज करेंगे, रेडियो आइसोटोप्स का यूज करेंगे। रेडियो आइसोटोप के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रेडियो लेबल सब्सटेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑटो रेडियोग्राफी। अब अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, अभी देखिए ये जो ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें हम किस तरीके के रेडियो आइसोटोप्स का यूज करेंगे, तो इसमें हम S35 ले सकते हैं, H3 ले सकते हैं या फिर C14 का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ रेडियो आइसोटोप्स के एग्जांपल है जिसका यूज हम इस टेक्निक में करते हैं। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें तो रेडियो आइसोटोप विल इमिट द रेडिएशन एंड इमिटेड रेडिएशन विल आयोनाइज द फोटोग्राफिक इमल्सन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डार्क स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स। इसमें आपका क्या हो जाता है, जो भी रेडियो आइसोटोप हम यूज करते हैं इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के दौरान वो रेडिएशन इमिट करने लगते हैं। देखो रेडियो आइसोटोप है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। अब ये जो इमिटेड रेडिएशन है वो जो भी फोटोग्राफिक इमल्सन हम यहाँ पर यूज करेंगे, मेनली जो जिलेटिन हम यहाँ पर यूज करेंगे AgX के साथ में, ये जो फोटोग्राफिक इमल्सन है वो आयोनाइज हो जाएगा। इसके रिजल्ट से क्या होगा, डार्क कलर के स्पॉट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं हम उसी को विजुअलाइज करते हैं, ये विजिबल स्पॉट्स यहाँ पर बनते हैं। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोटोग्राफिक इमल्सन में सिल्वर हैलाइड का यूज करते हैं। ये जो AgX है ये आपका क्या है, सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड कहने का मतलब है एक सिल्वर का पार्टिकल रहेगा यहाँ पर Ag, और इसके अलावा X रहेगा। X में हम कुछ भी ले सकते हैं, ये हैलोजन है। हैलोजन में आप जानते होंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो यहाँ पर हम AgCl भी ले सकते हैं, या फिर AgBr भी ले सकते हैं, या फिर AgI भी ले सकते हैं, या फिर AgF भी ले सकते हैं, कोई सा भी रह सकता है इसमें हैलोजन, ठीक है। तो ये जो एसिड, तो ये जो सिल्वर हैलाइड है यही आपका फोटोग्राफिक इमल्सन होता है। ये आपका किसका एग्जांपल है, फोटोग्राफिक इमल्सन का। इमल्सन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आप समझ जाएंगे, फोटोग्राफिक इमल्सन का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये फोटोग्राफिक इमल्सन यहाँ पर रहेगा और रेडियो आइसोटोप यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा, ठीक है। रेडिएशन के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा और ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये बना लेगा Ag+ और X-। मान लीजिए हमने Cl यूज किया तो Ag+ और Cl- बना लेगा। AgBr अगर हम यूज करेंगे तो Ag+ और Br- बना लेगा। उसके बाद ये जो सिल्वर है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर के एटम में। ये जो सिल्वर एटम होता है ये इनसॉल्युबल होता है और इसी के वजह से क्या होता है, हमारे स्लाइड में डार्क कलर का स्पॉट आएगा, ठीक है। तो ये है आपके रिएक्शन जो कि इस ऑटो रेडियोग्राफी में इन्वॉल्व होते हैं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो सिल्वर हैलाइड है वो रेडिएशन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में। फिर ये जो डिसोसिएटेड सिल्वर है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ ये आयन के फॉर्म में प्लस है ये, लेकिन यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एटम बना रहा है सिल्वर का। ये जो सिल्वर का एटम बनता है वही आपके स्लाइड में डार्क कलर का स्पॉट प्रोड्यूस करता है और इसी स्पॉट को हम बाद में आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इसका बेसिक रिएक्शन है। मेथड अगर हम देखें कि ये जो ऑटो रेडियोग्राफी है इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें क्या क्या सैंपल्स होते हैं या फिर क्या हम यहाँ पर फोटोग्राफिक इमल्सन यूज़ करते हैं, तो इसे हम देख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक स्लाइड लेना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका स्लाइड है। इसके ऊपर ये जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है ये आपका सैंपल है। कोई सा भी सैंपल हम यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें हमें ये पता हो कि उसमें रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है, तो कोई भी हम यहाँ पर सैंपल लेंगे, ठीक है। और ये जो आपको रेड रेड कलर का डॉट दिख रहा है ये आपका रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले तो हम एक स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर हमने सैंपल डाला है और सैंपल में क्या प्रेजेंट है, रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप वन हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो स्लाइड है जिसमें हमारा क्या है, सैंपल प्रेजेंट है और रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, इसको हम इमल्सन, फोटोग्राफिक इमल्सन में डिप कर देंगे। इमल्सन यहाँ पर हम बना के रखेंगे, ठीक है। स्लाइड को हम लोग क्या कर देंगे, उसमें डिप कर देंगे। डिप करने से क्या होगा, कवर द रेडियो एक्टिव सैंपल विथ फोटोग्राफिक इमल्सन। जब हम लोग इसको डिप करेंगे ना, तो ये जो लेयर है सैंपल का उसके ऊपर क्या चिपक जाएगा, आपका इमल्सन का पार्टिकल चिपक जाएगा। इमल्सन में हमने क्या लिया है, यहाँ पर AgX का इमल्सन लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, AgX, इसके अलावा यहाँ जिलेटिन भी होता है AgX के साथ, यहाँ पर आपका जिलेटिन भी यूज में होता है,
यहाँ मैंने दिया हुआ भी है, एग्जाम्पल ऑफ फोटोग्राफिक इमल्सन इज सिल्वर हेलाइड एंड जिलेटिन। तो यहाँ पर आपका इमल्सन में हम क्या लेंगे, सिल्वर हेलाइड और जिलेटिन का पार्टिकल लेंगे। तो जब हमने इसको इसमें डिप किया, ये स्लाइड को हमने जब इमल्सन में डिप किया, तो उसके ऊपरी लेयर में क्या जम जाएगा, ये जो पार्टिकल है फोटोग्राफिक इमल्सन के सिल्वर हेलाइड और जिलेटिन, ये उसके ऊपर में चिपक जाएगा। ये जो ग्रीन कलर के आपको बबल्स जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, जिलेटिन है और सिल्वर हेलाइड के पार्टिकल्स हैं। तो उसके ऊपर अब क्या बन गया, हमारे पास एक लेयर बन गया। फिर क्या होता है, ये जो आपके रेडियो आइसोटोप्स हैं, ये रेडिएशन यहाँ से रिलीज करने लगते हैं, आपको दिख रहा होगा एरो जैसा। तो ये रेडिएशन रिलीज करेंगे, तो रेडिएशन जाएगा कहाँ, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका इमल्सन का ये जो पार्टिकल बना हुआ है यहाँ पर, है ना, बबल्स बना हुआ है, उसी में ये चले जाएगा। तो अब यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ सैंपल एक्टिवेट दी AGX पार्टिकल नियर बाई, इसके आसपास, ये जो दो स्पॉट दिख रहे हैं ना रेडियो आइसोटोप के, इसके आसपास के जो भी पार्टिकल्स हैं सिल्वर हेलाइड के AGX के, उसको ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, इससे रिएक्ट करने लगेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ Ag+ ion इनटू Ag एटम लीविंग डार्क कलर बैंड्स। जब इसका रिएक्शन होगा, ये जो आसपास के जितने भी सिल्वर हेलाइड के पार्टिकल्स हैं, जब इसका रिएक्शन इन रेडियो आइसोटोप्स के साथ में होगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर एटम का फॉर्मेशन करेंगे। हमने क्या पता किया था, रेडिएशन होने के बाद क्या हो रहा था, ये आपका आयंस में डिसोसिएट हुआ और उसके बाद क्या बना रहा था, ये सिल्वर एटम बना रहा था। तो यहाँ पर ये एक्टिव हुआ, इसके आयंस जो प्रेजेंट थे यहाँ पर सिल्वर हेलाइड के, उसको ये आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करने के बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका सिल्वर एटम यहाँ पर बना है। क्यों बना है, ये जो आपका रेडियो आइसोटोप था, ये यहाँ के आसपास के जो पार्टिकल थे सिल्वर हेलाइड के, उसके साथ ये रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो गया। ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल है, ये आपका सिल्वर एटम का पार्टिकल है, Ag एटम, ठीक है, Ag यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर के ये पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर जम गए हैं, ठीक है, जहाँ पर ये रेडियो आइसोटोप रहेगा, ये सिर्फ वहीं के एरिया के सिल्वर हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको सिल्वर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक बना है, वो क्या है आपका सिल्वर एटम का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद क्या होता है, द स्लाइड इज वॉश्ड अवे बाई फिक्सर्स टू गेट इनसॉल्यूबल सिल्वर एटम एंड ऑब्जर्व अंडर ऑटो रेडियोग्राम। हम क्या करते हैं फिर, इस स्लाइड को वॉश कर देते हैं। वॉश करेंगे तो क्या होगा, ये जो सिल्वर के एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स हैं जहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ है, वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं, तो उसको जब वॉश किया जाएगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो सिल्वर यहाँ पर है ब्लैक वाला, वो इसी में रह जाएगा, क्योंकि वो इनसॉल्यूबल होता है, इसीलिए वो वॉश नहीं होगा बल्कि वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हमारा बाकी जो पार्टिकल्स थे वो वॉश आउट हो गए, बाहर निकल गए, और क्या बचा आपका यहाँ पर, सिर्फ सिल्वर का एटम यहाँ पर बचा। इसी जो एटम यहाँ पर बच रहे हैं सिल्वर के, है ना, और ये रेडियो आइसोटोप के, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राम में ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑटो रेडियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।